भदोही में 18 दिन पहले हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और दो लोग घायल हुए थे। इस सनसनीखेज मामले में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की तो पुलिस को पता चला कि हत्यारोपी स्वयं पीड़ित बनकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। एक साल पूर्व गांव में हुई हत्या के मामले में जेल में बंद अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने और विरोधियों को फंसाकर सुलह कराने के उद्देश्य से ये षड्यंत्र रचा गया था। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के हरियरपुर सुकुल गांव में बीते 23 मई की रात को गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। इस घटना में शेषधर शुक्ला की मौत हो गई थी, जबकि राकेश शुक्ला, अनिश शुक्ला घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया था। मामले में कुल 14 लोगों पर हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है उनका तो इस गोलीकांड में कोई हाथ ही नहीं है। पिछले वर्ष हुई एक हत्या के मामले में जेल में बंद परिजनों को लाभ पहुंचाने और सुलह कराने के उद्देश्य से ये खूनी षड्यंत्र घायल व्यक्ति के भाई और मृतक की नाती के द्वारा रचा गया था। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, थाना ज्ञानपुर क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरपुर शुक्लपुर गांव में दिनांक 30/31 की रात्रि को लगभग 12:15 बजे एक सूचना मिली कि वहां पर गोलियां चली हैं और एक व्यक्ति वहां पे दो व्यक्ति घायल हैं और एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस पड़ा है। तो मौके पे तुरंत हमारी जो पुलिस टीम है पहुंचती है और वहाँ पर FSL की टीम भी पहुंचती है, डॉग स्क्वाड भी पहुंचते हैं और सभी अधिकारी पहुंच करके वहाँ पे तहकीकात करते हैं। तो उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति वहाँ पे मृत पाया गया था और दूसरे व्यक्ति को हाथ में गोली लगी थी। घटना का जो स्वरूप था वो बहुत ही बृहद था और सर्विलांस और CCTV फुटेज का मदद लेकर के इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया, एक्चुअली जो वादी बन के घूम रहे थे, जो पीड़ित पक्ष अपने आप को दिखा रहे थे, उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के पीछे जो कहानी है वो यह है कि एक साल पहले इसी गांव में एक और हत्या की घटना हुई थी ज़मीनी विवाद को लेकर के, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को जेल भेजा था और गैंगस्टर एक्ट में वो अभी भी जेल में बंद हैं। उसी में जो आरोपीगण थे जो जेल में बंद हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए और इस पूरे मुकदमे में सुलह करने के लिए ये जो पीड़ित पक्ष है, जो वादी पक्ष है, जो एक्चुअल में हत्यारोपित निकला, ये सारी साजिश उनके द्वारा रची गई थी। इन जो इसका मास्टरमाइंड था वो अभी राकेश शुक्ला जो कि अभी वांछित है और उसका भाई मिथिलेश शुक्ला, इन दोनों ने जो है 1.5-2 महीने पहले इस घटना को पूरा प्लानिंग की थी और इसमें कुछ अन्य लोग भी जो शामिल हैं वो उनको हम लोगों ने 120B का इसमें मुलजिम बनाया है। बेसिकली ये इस FIR को करा करके ऐसे गंभीर धाराओं में अपने विरोधियों को सभी को जेल भेजना चाहते थे ताकि उस वाले मुकदमे में जो एक साल पहले लिखा गया था उसमें दबाव बना करके या तो समझौता करें या तो उससे कुछ लाभ उठाएं। और घटना के पहले प्लानिंग हुई कि ये घटना कराया जाए जिससे पुराने मुकदमे की समझौता हो जाए और इस घटना कराने के लिए पैसा देने के लिए शूटरों को तय किया गया, जिसके संबंध में फिर एक हफ्ते पहले पैसा दिया गया। कितना पैसा दिया गया? लगभग 4-5 के करीब। और उसके बाद ये सब प्लानिंग हो गई कि इसमें चोटी कराना है और बाद में घटना हो गई जिसकी जानकारी हम लोगों को हुई। तो इन लोगों का नाम दिए, ये रंजीश बस नाम दिए जी, जो पुराने से मुकदमे से रंजीश तालुकात रखते थे और हमारे दुश्मन थे जो